मेकअप करने जाएंगे मोसो धोके मुसुद हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, व्लॉग मोक्तान्स व्लॉग। मोक्तान्स व्लॉग में गाइस, बहुत दिन के बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि उतना टाइम ही नहीं मिला था, क्योंकि अभी बच्चों का एग्जाम आ रहे हैं तो एग्जाम के लिए क्वेश्चन टाइपिंग, सिलेबस ये सब बनाने में बहुत ही बिजी हो गई थी। सो आज छुट्टी है क्योंकि इतना दिन चार दिन छुट्टी था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा व्लॉग बनाया जाए क्योंकि इतना दिन चार दिन छुट्टी है। पर यहाँ का मौसम कैसा है बता दीजिए। बहुत बारिश हो रहा है, ठंड तो बहुत ठंडी है। ठीक है, हमारे लिए तो अच्छा है, दार्जिलिंग के पीपल्स के लिए गुड वेदर, टुडे इज गुड वेदर। ओके, बट मैंने इंट्रो करना भूल गई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपनी बहन से मिलाना चाहती हूँ। हेलो एवरीवन, नमस्ते। यहाँ पर है मेरे बहन, तो अभी रिसेंटली उन बहन और बहन का दोस्त ने यहाँ पर सिद्धू कान्हू स्कूल में ज्वाइन किया हुआ है। सो दूसरी बहन यहाँ पर है। ओके, दूसरी बहन भी बीजी है गाइस। ओके, यहाँ पर कुछ काम ही नहीं हो रहा है। बाहर घूमने का प्लान बना था, वो भी नहीं हो रहा है क्योंकि सुबह से रात भर दिन भर इतना ज़्यादा बारिश, पहली बार दुमका में इतना ज़्यादा बारिश फील हो रहा है। आज से 3 डेज हो गया बारिश हो गया कम्प्लीट। फ्राइडे से हो रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे और आज मंडे, 4 दिन हो चुका है गाइस, फिर भी बारिश बारिश बारिश। इतना दिन छुट्टी हो गया पर बस सोया खाया ऐसे में बीत गया। तो थोड़ा सा व्लॉग बनाऊंगी यही सोचकर आज थोड़ा सा इतने दिन को बैक स्टार्ट कर रही हूँ। और ना फ्रेंड्स में और बहन ने सपनम ने एक मुकबांग वाला ब्लॉग भी बनाया है आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर। सो उस मुकबांग ब्लॉग में ना हमने स्टैंड लिया था उसके लिए, आकाश सर का था। तो जैसे ही ब्लॉग स्टार्ट कर गया स्टैंड भी टूट गया, तो इतना बेहाल होके बनाया है ना, तो आप लोग वो ब्लॉग ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वो ब्लॉग तो इतना क्या हो गया, बहुत डिस्टर्ब हो गया ना क्योंकि फर्स्ट में स्टैंड टूट गया और सेकेंड इतना वो था ना, अच्छा ही नहीं था स्टैंड, ऑलरेडी बिगड़ा हुआ था, तो हमने वो बना के टाल टूल के ऐसे बनाया था, फिर से टूट गया। ओके, तो ऐसे ही मैनेज करके, बहुत मैनेज करके किया, पर नेक्स्ट टाइम अच्छी तरह से ब्लॉग लेकर आऊँगी मुकबांग वाला, क्योंकि मुकबांग वाला ब्लॉग बनाने के लिए अभी आ गए सपनम। सपनम है मुकबांग में एकदम माहिर। yes. तो एकदम माहिर, खाने में तो मैं बहुत माहिर हूँ पर यहाँ पर खाना ही मन नहीं लगता है ना। क्या बोल रहा है ना गाइस, देख लीजिएगा एक मेरे अभी जो हाथ मुकबांग बनाया है उसमें ना इतना खाया है, तो अभी बोल रहा है कि खाने का मन ही नहीं कर रहा है। दो थाली एक बार खाई ना। ओके, उस ब्लॉग में देख लीजिएगा किसने सबसे ज्यादा खाया। हाँ, मैंने खाया है पर मछली मैंने ज्यादा खाया, बात तो सेम था, इक्वल था दोनों का। ओके गाइस, कुछ काम ही नहीं है, अभी सब सो गए यहाँ पर, हम तो नहीं सोएंगे आज, नींद ही नहीं आ रहा था बस। हम तो आज साड़ी लाके फोटो क्लिक करेंगे, रील्स बनाएंगे, ठीक है, अब मेकअप करने जाएंगे, मोसो धोके मुसुद फेस वॉश करके और हैंड वॉश करके और मैम बोल रहे कि अभी हम नहीं सोएंगे, बस अपना फेस वॉश करके एकदम ब्यूटी होकर रील्स बनाएंगे, साड़ी पहनेंगे, पर नहीं सोएंगे बना रहे। पर थोड़ा सा फेस बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि अभी आए हुए ना, बट कोई बात नहीं, एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगेगा, हमें ना हम सिखा देंगे, पर हमको भी तो उतना तो नहीं आता है, फिर भी हम तो थोड़ा थोड़ा सीख गए हैं। साई बाबा भी है इधर। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट आज का ब्लॉग बहना के रूम से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर साई बाबा का पोस्टर भी है। और ये वाला किसने दिया था? ये वाला मुझे वो अमान मुदा सर, मेरा स्टूडेंट ने दिया था। बाय 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 बाय, थोड़ी दिन में मिलेंगे।
ओके फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं यहाँ पर इतना ज़्यादा बारिश हो गए, आज 4 दिन हो गया कंटिन्यू बारिश हो रहा है यहाँ। और देखिए ना, कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं, इतना ज़्यादा कपड़े हो चुका है, धूप ही नहीं दिखाई। ओके सब लोग सो गए फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ का हालत, इतना दिन हो गए छुट्टी पर, छुट्टी सब वेस्ट हो गया, सोते सोते ना घूमने के लिए भी प्लान बनाया था पर वो भी नहीं होगा, बारिश अभी ऐसे ही बीत गया छुट्टी, देख सकते हैं वहाँ पर ऐसे ही बीत गया ऐसे बीत गया गाइस वालना। ओके एवरीवन, तो सोकर अभी उठे हुए हैं सब लोग, और उठते ही हो गया झालमुरी का तैयारी, चटपटा अभी चटपटा बना रहे हैं, क्या क्या खाने का मन होता है इधर। ओके तो अभी हम भी झालमुरी ट्राई करेंगे, कैसा बनाया है चकाश। अच्छा बनाया। और मौसम भी आज बहुत ही अच्छा है, बारिश और साथ में चाय। सब लोग झालमुरी और चाय का मजा लेते हुए, वो देख सकते हैं बारिश भी हल्का हल्का सा हो रहा है। ओके तो यहाँ से कुछ इस तरह से दिखाई देता है, यस। ओके गाइस, तो अभी शाम हो गई है और बारिश भी थोड़ा रुक गई है, तो दिन भर रूम में बैठते बैठते बोर हो गए थे, तो थोड़ा सा वॉक के लिए अभी बाहर निकले हैं और हम लोग आ गए हैं यहाँ पर खुट्टा बांध। तो देख सकते हैं यहाँ पर सब लोग, और यहाँ पर मिस सपनम भाई का एक्सरसाइज करते हुए, ओके तो थोड़ी देर यहाँ पर बैठेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद, ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर दुमका में, नहीं तो इतना गर्मी होता है कि थोड़ी देर भी अगर हम लोग बाहर निकले तो इतना ज़्यादा गर्मी होता है, पूरा पसीना से हालत ख़राब होता है, पर आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा भी आ रहा है। और यहाँ पर सपनम कमान उठो ट्राई। तो हम लोग पहले भी यहाँ पर आते थे सुबह सुबह, पर अभी बारिश हो रहा है ना तो अभी नहीं आ रहे हैं। सुबह का ब्लॉग भी मैं लेकर आऊंगी यहाँ का, क्योंकि सुबह इतना अच्छा दिखाई देता है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगता है। ओके गाइस, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो अभी निकल रहे हैं। जुम हरी हरी जुम। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग अभी रूम में आ चुके हैं, तो वॉक करते करते बहुत थक गए, इतने दिनों के बाद आज वॉक पे निकल गए थे। सो ओके गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।